वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूँ रवि, यह राहुल, और आज हम फिर से एक नया कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। ये दो बहुत ही स्टार्टर रेंज की विस्की हैं जो इंडिया में मिलती हैं। एक बहुत पुराना प्लेयर है, एक बहुत रीसेंट एडिशन है। ठीक है, तो राहुल, आज राहुल का मन किया कि इन दोनों का रिव्यू होना चाहिए, तो आज राहुल दोनों लेके बैठा। थोड़े थोड़े कम है, पहले लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल, बट चलता है। क्यों? हाँ बिल्कुल। और जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियो आगे बढ़ता है, जल्दी से सारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उनके यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर ना बहुत डाउन हो चुका है। अब जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि लोकल टेम्परेचर के साथ आप कौन सी दारू एंजॉय कर रहे हो अपने स्टेट में, तो वो भी आइडिया हम शेयर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे प्यारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई विस्का का रिव्यू ऐसा कैसे कर दिया, क्या पैसे नहीं मिले। भाई सही बता दूं, पॉकेट खाली हो चुकी, कुछ से पैसे डाल रहे हैं भाई। बिल्कुल अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो प्लीज कर देना, सही बता रहा हूँ। जो लग बिल्कुल रहा है भाई लोग करते लग रहा है, सिर्फ आपकी वैल्यू रखते हुए, आपके जो भी सजेशन आते हैं, जो भी कमेंट आते हैं उसको रखते हुए, उसको आगे बढ़ते हुए हम सारे अपने कमेंट करते हैं, अपने कंपेरिजन करते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है इससे हमें कुछ अर्निंग हो रही हो, सब कुछ पॉकेट से लग रहा है भाई। बिल्कुल इसीलिए मैं कहूँ कि आपके जो कुछ रिक्वेस्ट होती है, आप कहते हो कर दो रिव्यू, थोड़ा टाइम लगता है उस रिव्यू करने में, बिकॉज पॉकेट देखनी पड़ती है यार, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल थोड़े रिव्यूज थोड़े लेट आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। तो प्लीज ऐसी कॉपरेट करते रहिए, मैं चाहता हूँ, तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें तो होती रहती है, लोगों को पता है हमारे बारे में। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करें। ठीक स्टार्ट है, करते तो इस हैं। तरफ है विस्किन क्राफ्ट, उस तरफ है रॉयल चैलेंज। ठीक है, मैं इसको पूर करता हूँ, आप उसको पूर करो। ठीक है, मैं दोनों में पोर कर रहा हूँ, हम दोनों फिर ग्लास चेंज कर लेंगे। हाँ, तो विस्किन क्राफ्ट और रॉयल चैलेंज दोनों के हम रिव्यूज कर चुके हैं इंडिविजुअली। ठीक है, आप दोनों को जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका आई कार्ट में डाल दूंगा लिंक। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, और ये तो खत्म ही हो गई, कोई चलो बात खत्म नहीं, करते खत्म हैं। ही हो हाँ, जाएगी बस आज इसीलिए बचाई थी हमने आज। कि आज का कंपैरिजन हो जाए। बिल्कुल, तो चलो जी, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये है हमारी बिल्कुल, विस्किन क्राफ्ट, चलो ग्लास शेयर लेते हैं एक्सचेंज। चलो भाई रॉयल चैलेंज, विस्किन क्राफ्ट, विस्किन क्राफ्ट, रॉयल चैलेंज। ठीक है, या हाँ, तो स्टार्ट करेंगे, कलर से स्टार्ट करते हैं। देखो बताओ भाई राहुल, मेरे भाई कलर को तो ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, बल्कि विस्किन क्राफ्ट थोड़ा सा डार्क कलर में आ रहा है, हल्का सा, हाँ मेरी तरफ भी इस तरफ विस्किन क्राफ्ट है, हल्का सा डार्क डार्क है, कलर में है, और रॉयल चैलेंज थोड़ा सा लाइट है। रोज अच्छा, चंद्र एक चीज लाइट और है। बता दूँ, रिव्यू में भी पहले भी बताया था, दोनों में कलर भी एडेड है, दोनों में फ्लेवर भी एडेड है। विस्किन क्राफ्ट का आई एम नॉट श्योर कि इसमें मोलेसेस ऐड है कि नहीं है, बट उसमें तो है। उसमें तो है 100% है, और मैं हाँ, भी जहां तक यह लगता है कि स्किन काफी में भी होगा थोड़ा होगा, बहुत। होगा बताया नहीं है लेकिन मेरी भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि प्राइस रेंज ऐसा है, 530 की बोतल थी ना ये वाली, पूरी वो जो पूरी बोतल थी। बोतल जो 530 की है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं इस टाइम ये दिल्ली के अंदर, हाँ तो बहुत फेमस विस्की है विस्किन क्राफ्ट आज की डेट में, प्रोफाइल अच्छा है। तो आप प्रोफाइल अच्छा मैच है। करके देखते हैं पुराने प्लेयर के साथ ये कैसे कंपेयर करती है। हाँ ठीक है, तो कलर की बात कर ली है, अब नोजिंग स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल, आरसी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ठीक सी है। नाक पे फील तो होगी, बट मेरे को शायद फील ना हो ज्यादा रही नहीं हो है। क्योंकि मेरे को जुकाम हो रखा है। तो थोड़ी सी नोज में तो फील होती है आरसी, हमको पता ही है, थोड़ा सा इसका नोज पे बर्न रहता है, अल्कोहल बर्न है इसका, बट उतना ज्यादा नहीं है। कंपेयर करूं अगर मैं इसको मैकडोवल से, वो तो एकदम से भपका लगता है, इसका उतना नहीं है। अब इसको कंपेयर करते हैं विस्किन क्राफ्ट से, जो एक्चुअल कंटेंडर है इसका, आज जल्दी से ट्राई करते हैं। मुझे तो वैसे जुकाम है लेकिन ये थोड़ी फिर मेलो भी लगी। लग रही है ना। ये एक्चुअली है मेलो, अगर आरसी से आप विस्किन क्राफ्ट को कंपेयर करोगे है मेलो, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फ्रूटी टेक्सचर इसमें तो पता चलेगा आरसी में, मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका अल्कोहल बर्न थोड़ा सा ज्यादा है, तो इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा उसमें कुछ, बट इसमें आपको फिर भी एक बारी को हल्का सा फ्रूटी, ड्राई फ्रूट जैसा जो होता है ना, थोड़ा हल्का सा मालूम बादामी पड़ जाएगा। जैसा, वो थोड़ा सा फील हो जाएगा। चलो, ये तो नोज में तो मेरे को फिलहाल स्किन क्राफ्ट अच्छी लगी, तेरे को भी मेरे को भाई मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि नाक का प्रॉब्लम ना? है, मैं हाँ, टेस्ट में बता दूंगा। टेस्ट में बता दोगे। चलो, हाँ तो मैं, अगर आप मेरे जैसा पसंद करते हो, ज्यादा नोज बर्न पसंद नहीं करते हो उसका अल्कोहल का, तो आपको शायद विस्किन क्राफ्ट पसंद आएगी, क्योंकि उसमें नोज बर्न बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो विस्किन क्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं। मौत बन तो है भाई, हल्का मौत बन तो है लेकिन साथ साथ अरोमा भी है, अरोमा भी है, फ्लेवर भी है, फ्लेवर भी है, थोड़ा सा वुडी इफेक्ट, जो बर्न वुड इफेक्ट जो है वो वो है। फील होगा इसमें, फ्लेवरफुल है, थोड़ा सा नटी भी फील हो जाएगा आपको ये,
और अभी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा एकदम से अंदर गई है, तो चारों तरफ गर्माहट आ रही है मुंह में, मजा आ गया पीने मजा आ रहा है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेंज में ये एक ऐसी विस्की है जिसको आप नीट प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, कि माउथ बर्न है बट उतना हैवी नहीं है कि आपके मुंह को बिल्कुल जलाई दे, बिल्कुल सुन कर दे, वैसा नहीं है। नटी फ्लेवर्स आपको पता चल जाएंगे, थोड़ा सा बादामी, थोड़े से पिस्ता टाइप, कैश्यू टाइप, है ना, बिल्कुल ट्राई करें। मैं बताऊं टेस्ट के हाले में, मेरे हिसाब से तो आरसी बाजी मार्ट के ले गई है टेस्ट में, मेरे को तो ये बेटर लग रही है भाई, पता नहीं क्यों आज अगर दोनों कंपेरिजन है क्योंकि आज, इसलिए मेरे को आरसी थोड़ी ठीक लग रही है, बेटर लग रही है। मेरे को थोड़ी सी आरसी थोड़ी सी हैवी लगी पैलेट पे, मेरे को थोड़ा सा माउथ बर्न थोड़ा सा हैवी लगा कंपेयर टू विस्किन क्राफ्ट, वो थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ है आरसी में, बट हो सकता है तेरे को फ्लेवर वाइज थोड़ी सी ज्यादा बेटर, फ्लेवर थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है मेरे को आरसी, मुझे थोड़ी स्मूथ पसंद है, तो मैं तो अभी भी विस्किन क्राफ्ट के साथ ही रहूंगा भाई। देखो स्मूथ विस्की मेरे को पसंद है, लेकिन अगर आज कंपैरिजन की बात हो गई तो कंपैरिजन में टेस्ट में आरसी थोड़ी सी हल्की सी बेटर लग रही है मेरे को, तेरे को हाँ, हल्की सी विस्किन क्राफ्ट। पानी डाले? हाँ डालो। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाला है, जैसे आपको पता ही है पानी बिल्कुल कम डालते हैं, तो किससे स्टार्ट करोगे? जैसे जैसे स्टार्ट करी थी आरसी से स्टार्ट करते हैं, आरसी से करते हैं। मेलो हो गई है ना? हाँ काफी ज्यादा मेलो हो गई है। मेलो हो गई है, थोड़ा सा अल्कोहल आपको अभी भी फील होगा, बट पहले जैसा नहीं है, बर्निंग जैसा था, थोड़ा ठीक ठाक हल्का ठीक है ना। अब एक जरा विस्किन क्राफ्ट भी स्टार्ट करें। पानी डाल दिया? साथ ही डाल दिया था। ये तो बिल्कुल चली गई, ये तो बिल्कुल चली गई है, ये तो फाइन एसी हो गई, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल पानी की तरह हो गई है ना, पानी पानी हो गई। हाँ, इतना पानी भी ज्यादा हो गया। चलो चलो टेस्ट करते हैं। हाँ, ठीक है आरसी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आड़ है, बहुत आड़, बहुत आड़, बहुत आड़। पानी डालने के बाद खुल जाती है वो, जबरदस्त खुली है। आपको लग रहा होगा क्या मजाक कर रहा है, पानी डालने के बाद तो एकदम मेलो हो जाती है, बट एक्चुअली होता है क्या, जो नॉर्मल इंडियन पीता है वो भर के पीता है ग्लास, पानी ज्यादा डालता है तो उसको तो वैसे ही टेस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है, बट इतना पानी आप डालोगे आप खुद भी फील करोगे, घर पे प्रैक्टिकल करके देखना ये वाला, ठीक है आप खुद भी फील करोगे थोड़ी सी ज्यादा खुल जाएगी, और खुली है थोड़ी सी ज्यादा, बट ये है कि थोड़ा सा फ्लेवर प्रोफाइल मैं कहूंगा कि एनहांस हो गया, फ्लेवर फील हो रहा है इसमें, फ्लेवर में आपको थोड़ा सा क्या बोलूं, थोड़ा सा कैरेमली हल्का सा मालूम पड़ रहा है, बस कैरेमल जैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता चल रहा है इसमें इस टाइम पे। चलो आगे चलते हैं। चीयर्स। स्मूथ हो गई है स्किन का, स्मूथ हो गई है ना, ये स्मूथ हो गई है, स्मूथ हो गई है, वो हार्ड हुई है। देखो इसका कंपैरिजन करना आज बहुत बढ़िया रहा, जो स्मूथ विस्की लवर है ना इस प्राइस रेंज में वो स्किन का पे जा सकते हैं, जो हार्ड विस्की लवर्स हैं इस सेम प्राइस रेंज में वो आरती के पास जा सकते हैं आराम से। ₹20 का फर्क है मेरे ख्याल से, वो ₹20 का फर्क, कोई फर्क होता है यार, कम से कम 100-200 का फर्क, तो फर्क हो ₹20 का फर्क यूं हो जाता है इतने में, तो वो आ जाते हैं कुरकुरे चिप्स के पैकेट यार, ₹20 का फर्क नहीं है, मतलब सेम प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट, तो जो हार्ड विस्की लवर है नो डाउट वो आरसी पे जाओ, जो लाइट विस्की लवर है नो डाउट विस्किन क्राफ्ट पे जाओ, बिल्कुल स्मूथ विस्की है, और अभी पानी मिलाने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा हनी का टेस्ट और अच्छे से फील हो जाएगा, फील हो जाएगा। जैसे ही गले के पास जाएगा आपको हनी फील होगा इसमें, लिटरली आपको लगेगा कि आप हनी ड्यू टाइप कुछ पी रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा नटी फ्लेवर जो है थोड़ा और एनहांस हुआ है, जो माउथ बर्न था इसका अल्कोहल का वो थोड़ा सा और मेलो हो गया, तो और ज्यादा प्यारी हो गई ये। अगेन जैसे कि मैंने कहा पानी के साथ, इतना जितना पानी डाला है उसके साथ भी आपको पसंद आएगी, बिना पानी के भी पसंद आएगी विस्किन क्राफ्ट। आरसी मेरे को थोड़ी हार्ड लगती है बिना पानी के, मैं बताऊं कि दोनों का अपना ही टेस्ट है। हाँ दोनों का अपना ही मजा है, जो एकदम हार्ड सी दारू पीना पसंद करते हैं वो चले जाए इस पे, बाकी उस पे बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं कहनी, प्राइस दोनों के सेम है, कुछ नहीं करना, उसमें पानी ज्यादा डाल लेना, उसमें पानी कम डाल लेना, बाकी ये इसका फ्लेवर में मजा आ गया बस, आरसी में बिल्कुल तुम्हारा खुल जाएगा सब कुछ, देश दिमाग वो थोड़ा आराम से लेने वाली है। चलो तो ये था हमारा आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो, जल्दी एक नए वीडियो में एक नए शो पे मिलेंगे, नए कंपैरिजन के साथ, नए ब्रांड्स के साथ, है ना, और नए पानी और कोक के साथ, बिल्कुल जल्दी वो भी वीडियो भी आएगा। तो चलिए तब तक लाइव दोगुना की तरफ से, मेरे और राहुल की तरफ से चीयर्स।